नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। मशहूर कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने बीती रात अंतिम सांस ली। उनके परिवार ने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है। बिरजू महाराज की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली के साकेत अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ इलाज के दौरान उनका निधन हो गया। बता दें कि गायक अदनान सामी, मालिनी अवस्थी समेत कई लोग बिरजू महाराज को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मालिनी अवस्थी ने श्रद्धांजलि देते हुए लिखा कि आज भारतीय संगीत की लय थम गई, सुर मौन हो गए, भाव शून्य हो गए। कथक के सरताज पंडित बिरजू महाराज नहीं रहे। वहीं अदनान सामी ने सोशल मीडिया पर लिखा, महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज जी के निधन की खबर से बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आज हमने कला के क्षेत्र का एक अनोखा संस्थान खो दिया। उन्होंने अपनी प्रतिभा से कई पीढ़ियों को प्रभावित किया है। बता दें कि लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। इनका असली नाम पंडित ब्रजमोहन मिश्र था। बिरजू महाराज कथक नर्तक होने के साथ साथ शास्त्रीय गायक भी थे। उनके पिता और गुरु अच्छन महाराज समेत परिवार के लोग भी मशहूर कथक नर्तक रहे हैं। 1983 में पद्म विभूषण से सम्मानित बिरजू महाराज ने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी डांस कोरियोग्राफ किया है, जिसमें उमराव जान, डेढ़ इश्किया, बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में शामिल हैं। पद्म विभूषण के अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। इसके साथ ही 2012 में विश्वरूपम फिल्म में डांस कोरियोग्राफी के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।